नमस्ते जी। हम कभी कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसे इंसानों को देखते हैं जो कि बिल्कुल आकर्षित लगते हैं, तो भाई शरीर का लेवल अलग बनाने के लिए वो सब लोग नियम अपनाते हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे, तब जाकर वो सब इतने अलग होते हैं भीड़ से, उनकी फ़िटनेस अलग होती है। और अब मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे नियम बताने वाला हूँ जो कि आपके पूरे फिटनेस को, शरीर को कुछ ही समय में बदल कर रख देंगे। आपका दिमाग सही से काम करेगा, आपकी बॉडी सही से काम करेगी, आपकी बॉडी के अंदर के फंक्शन सही से काम करेंगे, जिससे आप अट्रैक्टिव मतलब बिल्कुल एक्टिव रहोगे, अट्रैक्टिव लगोगे। आपके अंदर बल और स्टैमिना का निर्माण होगा, आपके शरीर पर तेज होगा और एनर्जी हर समय आपके अंदर रहेगी। ये सब चीज़ें आपके शरीर को भीड़ से अलग बनाने के लिए बहुत है। और भाई ये बिल्कुल साधारण नियम है और हर कोई फॉलो कर सकता है इनको, और इनको भी अगर आप फॉलो नहीं करोगे ना तो भाई कोई इलाज आपका नहीं हो सकता, विनाश हो जाएगा शरीर का। और जितना हो सके सब भाइयों को भी आज की ये अमूल्य नॉलेज ज़रूर शेयर करना। सबसे पहला है सूरज से आंखें। जैसे ही आप सुबह उठो तो सुबह जब ताज़ा सूरज निकलता है, छत पर जाओ या कहीं भी बाहर, वो ताज़ा सूरज आपको देख रहा है, आंखें मिलानी है, बस देखते रहना है। कम से कम 5 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन की अवस्था में बैठकर देखो, सबसे बढ़िया है। और 10 मिनट ऐसा करने के बाद 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण भी करो। इससे होगा ये कि आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा बनेगी और भाई ऊर्जा का भंडार बनेगा चेहरा है जो आपका, और आँखों पर तेज आएगा, आपकी चेहरे पर तेज आएगा। जापान में सब लोग यही फॉलो करते हैं और उनके अंदर क्या क्या खूबी है ये तो आपको पता ही होगी। अनुशासन और दिमाग सबसे अच्छा है जापान के पास, तो भाई कल से ही ये नियम आपको अपनाना शुरू कर देना है। शक्तिशाली पानी। शक्तिशाली पानी का क्या मतलब हुआ और कहां से लेकर आओगे, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि आपके घर में जो आप पानी पीते हो वो पानी मटके में पीना है। सुबह मिट्टी का मटका भर के रख देना है और पूरा दिन आपको वो पानी पीना है, आपको और आपके घर वालों को। जब खाने पीने की चीज़ें मिट्टी के टच में आती हैं तो इन चीज़ों की शक्ति बढ़ जाती है, गुण बढ़ जाते हैं, और ये सिर्फ हमारे देश की मिट्टी में ही होता है, बाहर के देशों की मिट्टी में ऐसा नहीं है। और इसके बावजूद हमारे यहाँ के लोग फिल्टर का पानी पीते हैं, कितनी बड़ी मूर्खता है। जैसे ही आप मटके में पानी रखना शुरू करोगे तो पानी शक्तिशाली बनेगा। और अधिक शक्ति बढ़ानी है पानी की तो उस पानी में 2 से 3 चुटकी चूना डाल दो, पानी की गंदगी निकल जाएगी और कैल्शियम का पानी बन जाएगा एक तरह से। बिल्कुल आपके घर वालों को कोई बीमारी नहीं लगेगी इस पानी को पीने से, बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे, घुटनों की कोई बीमारी नहीं लगेगी। और शक्ति बढ़ानी है पानी की तो भाई पानी में आपको एक सोने की छोटी सी वस्तु जैसे कि अंगूठी ऐसा कुछ डालकर रख दो और पूरा दिन वही पानी पियो, वो पानी सबसे पावरफुल बन जाता है बिल्कुल। और जब आपका पानी शक्तिशाली होगा तो भाई शरीर का पूरा लेवल ही बदल जाएगा, क्योंकि 70% पानी शरीर में होता है। दौड़। देखो आपको ये नियम अपनी ज़िंदगी में बना लेना है, या तो सुबह या फिर वर्कआउट अगर आप करते हो तो वर्कआउट से पहले सबसे पहले खुली हवा में 1 किलोमीटर की रनिंग लगानी है और फिर स्प्रिंट लगानी है 100-100 मीटर की, पूरी ताकत के साथ, जितनी ताकत आपके शरीर में है पूरी झोंक देनी है स्प्रिंट लगाते टाइम। 2 से 3 स्प्रिंट बहुत है, इससे आपकी पूरी बॉडी बिल्कुल एक्टिव होगी और भाई आपके शरीर की गंदगी निकलेगी, स्टैमिना बनेगा आपके अंदर, और अधिक से अधिक ऑक्सीजन जब जाएगी दौड़ लगाने से आपके अंदर, तो भाई पूरी बॉडी लोहा बनेगी, ऊर्जा का भंडार बनेगा आपके अंदर, और शुद्ध ऑक्सीजन जब शरीर के अंदर जाती है तो शरीर अट्रैक्टिव बनेगा, आकर्षित बनेगा। नोफैप, मतलब कि आपने सीमेन को बॉडी में रोक कर रखना है। नोफैप एनर्जी, जिसे हमारे यहाँ ब्रह्मचार्य कहा जाता है, जो कि एक छोटा सा पार्ट होता है ब्रह्मचार्य का। ये बात तो आपको बताने की ज़रूरत है नहीं कि सीमेन सबसे लेट बनता है, मतलब कि सबसे कीमती धातु होती है ये। तो भाई जब आप इसको रोकोगे तो आप भी उतने अधिक कीमती होते चले जाओगे जितना आप इसको बॉडी में समाओगे। यही एनर्जी आपको सबसे अलग बनाएगी। बाकी आप महान पुरुष क्या इसके बारे में कहते हैं वो पढ़ सकते हो, हमारे देश के पहलवानों से लेकर जीनियस महान पुरुषों ने इसके बारे में लिखा है। जड़ी बूटियाँ हमारे शरीर में बल बढ़ाने के लिए सबसे सक्षम मानी जाती है। जैसे कि नोफैप की जो एनर्जी होती है वो सबसे फास्ट बढ़ती है जड़ी बूटियों से। जी हाँ, हमारा जो सीमेन होता है वो जड़ी बूटियों से बनता है पावरफुल, जैसे कि अश्वगंधा। ये बहुत अच्छी जड़ी बूटी है और गर्मी भी नहीं करेगी ज़्यादा और पावर भी बहुत अच्छी देगी। हमारे हार्मोन को सबसे अधिक पावरफुल बनाने की क्षमता रखती है ये। अगर आपको प्योर चाहिए अश्वगंधा तो मैं खुद तैयार करता हूँ, ये वैदिक अमृतमयी अपनी कंपनी है, डिस्क्रिप्शन में जाकर जानकारी ले सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो, सस्ती और प्योर है। योग, जो कि भारत में बना है, और ये बात आपको बिल्कुल रोचक लगेगी कि हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमारे शरीर के हर अंग के लिए अलग अलग योग बना हुआ है। और भाई जैसे कि सिर के लिए, अगर सिर के बालों को आप अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो, बिल्कुल बढ़िया बनाना चाहते हो, तो आप शीर्षासन करो। आप अपने चेहरे पर ग्लो लेकर आना चाहते हो, ये भी शीर्षासन से हो जाएगा। आप अपने दिमाग को शांत करना चाहते हो, दिमाग के लिए पता नहीं कितने सारे ध्यान बने हुए हैं। आपके पैरों के लिए पता नहीं कितने सारे योग बने हुए हैं। आपकी टांगों के लिए, आपके लीवर तक के लिए, अंदर जो हमारा सिस्टम है पूरा, लीवर, किडनी, हमारी आंखों तक के लिए, हर एक पार्ट के लिए हमारे
यहाँ पर योग बने हुए हैं हर एक पार्ट के लिए, हर शरीर के हर एक अंग के लिए। तो आप कोई योग कर सकते हो, और यहाँ तक कि फेस को, मतलब फेस पर ग्लो लेकर आने के लिए, फेस के मतलब जितनी भी दिक्कत होती है चेहरे पर, उन सब को करने के, उन सब को साफ़ करने के लिए योग बने हुए हैं। और भाई शरीर में बल बढ़ाने के लिए योग बने हुए हैं। तो आप ये योग करो, और कैसा भी अपने शरीर को आप बदल सकते हो योग से। योग बहुत पावरफुल होता है, इंसान को चमत्कारी बना देता है बिल्कुल। बस ये चीज़ें फॉलो करो और फिर देखना आप कितने अट्रैक्टिव बनने शुरू हो जाएंगे 2 से 3 महीनों में। बिल्कुल अलग लेवल हो जाएगा शरीर का। अगली वीडियो किस पे चाहिए मुझे कमेंट करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।